जी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बज रहा है सुबह के 7। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैं अम्बा जी में धर्मशाला में रुक गया था। हमारा रूम अच्छा था, रात को नींद अच्छी आ गई। तो ये हमारी गाड़ी खड़ी है इधर, और अभी मैं आपको रूम टूर करवा रहा हूँ। और बस ये रूम टूर करके अभी हम निकल रहे हैं अम्बा जी मंदिर के लिए। तो फिलहाल आप रूम देख लो, अगर आपको आना है तो आना, यहाँ पे अच्छा है। हाँ, एक प्रॉब्लम है, अगर आप गर्म पानी से नहाना चाहते हो सर्दियों में, तो आपको बाल्टी लेके पीछे जाना होगा ऑफिस के बाजू में, तो वहाँ से आपको गर्म पानी अंदर जाके थोड़ा मिल जाएगा। तो ये मेरा रूम है, 5 बेसिक सा रूम है। ये बेड है, ये मिरर, ये छोटा सा टेबल है, और यहाँ पे आपको कुछ रखना है। पानी का जग ऑलरेडी पड़ा है, ये भी, तो पानी का जग हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारे पास वो बॉटल था हमारा। और ये पूरा मेरा सामान है, और ये वॉशरूम है, अच्छा नीट एंड क्लीन है, इनफ है। बस तो अभी निकल रहे हैं थोड़ी देर में, और यहाँ से मंदिर तक पैदल जाएंगे। तो जी अभी हम निकल रहे हैं मोदी भवन अंबाजी से। और यहाँ आगे शक्तिपीठ सर्कल है, और यहाँ से सीधा है अंबाजी मार्ग अंबाजी मंदिर के लिए। तो जी यहाँ पे ऐसे तो अंबाजी मंदिर जाने के लिए लाइन लगती है, और ये यहाँ का बस स्टैंड है अंबाजी का, ठीक है। तो फिलहाल हम इसमें से नहीं जा रहे, हम साइड से जा रहे हैं मंदिर के लिए। रिटर्न में क्या हम यहाँ पे आगे मेन रोड है। और ये अंबाजी माता मंदिर ट्रस्ट के तरफ से भोजनशाला है। यहाँ मंदिर की तरफ से पार्किंग भी है, देखो ये फ्री ऑफ चार्ज है। अभी मंदिर जाने के लिए हम चढ़ेंगे यहाँ पे। पेड़ पार्किंग भी है मंदिर के पार्किंग में, अगर जगह नहीं है तो आप पेड़ का पार्किंग में भी रख सकते हो गाड़ी। तो जी मंदिर परिसर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का अलाउड नहीं है, तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। तो जी अंबाजी मंदिर के दर्शन कर लिया मैंने, और यहाँ पे मंदिर के बाहर ही मंदिर का लॉकर रूम है, यहाँ पे आप शूज़ भी रख सकते हो। मोबाइल और बैग के लिए अलग है, शूज़ के लिए अलग है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे वॉशरूम भी बने हुए लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग है, और पानी का सुविधा भी है, और रेस्ट रूम भी है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको पूरा। तो जी ये रेस्ट शेल्टर है यहाँ पे, और ये पीने का पानी ठंडा यहाँ मिलेगा। और लगेज रूम आप देखो, लगेज रूम है, टॉयलेट है जेंट्स, और इस साइड लेडीज़ का है। और आगे जो दिख रहा है आपको वो पूरा शूज़ के लिए है, ठीक है। तो अभी हम एग्जिट हो रहे हैं मंदिर से, हमारा शूज देवा लक्ष्मी जी। तो जी ये अंबाजी मंदिर का प्रवेश द्वार है, देखो अंबाजी मंदिर का दिख रहा है, ठीक है। और अभी हम सोडा पियेंगे जय भोला सोडा सेंटर में, ठीक है।
थोड़ा फिर अंबाजी की तो जी यहाँ से अंबाजी मंदिर का गुम्बद आपको क्लियर दिख रहा होगा। आधा गुम्बद जो है पूरा सोने से मढ़ा हुआ है और मंदिर के पीछे मंदिर की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, ट्रस्ट की ऑफिस है और प्रसादी काउंटर भी है। तो जी मंदिर के दर्शन कर लिए हमने और अभी वापस आ गए अपने रूम पे। और मंदिर से जैसे आप एग्जिट होते हो तो नीचे 51 शक्तिपीठ गुफा है, तो ज़रूर जाना। वहाँ पे ग्लास वर्क भी है, तो सिर्फ 10 रुपीज़ टिकट है, तो वहाँ ज़रूर विजिट करना। हमारे देश में जो 51 शक्तिपीठ है वो शक्तिपीठों की सारी मूर्तियों के दर्शन वहाँ पे होंगे। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर और कामाख्या देवी मंदिर, जो कल रात को हमको हमारे रास्ते में आया था आने के टाइम। यहाँ आपको रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, धर्मशाला भी है, प्राइवेट होटल्स भी है, तो रहने का तो प्रॉब्लम नहीं है, खाना भी, खाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना भी आपको मिल जाएगा। और ट्रांसपोर्ट की भी यहाँ पे फुल फैसिलिटी है, यहाँ बसेस रेगुलर अवेलेबल है और प्राइवेट टैक्सी भी है और यहाँ जो लोकल टैक्सी चलती है वो भी है। आसपास जो आपको फैक्ट्री दिख रही है सब सारी मार्बल की है, दोनों रोड के दोनों साइड मार्बल की फैक्ट्री है। यहाँ पे मंदिर और अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ वो सब बनती है यहाँ पे। ये गेट मैंने आपको रात को भी बताया था और वो सामने दिख रहा है आपको, तो कामाख्या देवी का मंदिर है। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, साइन बोर्ड पे कोटेश्वर जाने का 5 किलोमीटर है यहाँ से, तो कामाख्या मंदिर के लेफ्ट आगे ही लेफ्ट साइड में आपको टर्न लेना है अंबाजी मंदिर के साइड से आते हो तभी। जी ये कोटेश्वर महादेव है और ये बहुत ही पुराना मंदिर है, आगे एक भैया बोल रहे थे हजारों साल पुराना मंदिर है। और यहाँ पे सरस्वती माता जी की गुफा है और गौमुख कुंड है, तो पहले अंदर मंदिर में दर्शन करके आते हैं फिर आपको सरस्वती माता के गुफा के दर्शन कराएंगे। ठीक है, तो जी सरस्वती माता जी की गुफा की तरफ जा रहे हैं हम, तो देखते हैं गुफा, क्योंकि सोमनाथ में मैंने हिंगलाज माता जी की गुफा में गया था मैं, तो बहुत ही नैरो थी, दिखाता हूँ आपको। और ये पीछे जो कुंड देख रहे हो वो पानी सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है पीछे से गौमुख के कुंड, तो पहले दर्शन कर लेते हैं फिर आगे जाएंगे। जी ये सरस्वती माता की गुफा है, यहाँ पूरा घोड़े जैसे चल के जाना है और यहाँ से भी आपको नीचे उतरना है, तो एक ही जन जाएगा तो बेटर रहेगा।
और यहाँ बैठ के सीढ़ी उतर के जाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो जी ये सरस्वती माता की मूर्ति है, तो दर्शन कर लो, ठीक है, जय माँ। तो चलो अभी निकलते हैं, आगे और लोग खड़े हैं, निकलते आगे। तो अभी हम जा रहे हैं सरस्वती माता के उद्गम स्थान पे, और ये पीछे पहाड़ों में से पानी आ रहा है। तो महाराज, यहाँ के महाराज जी ऐसा बोल रहे थे कि ठंडी हो या गर्मी हो, यहाँ पानी इतना का इतना ही चालू रहता है, और पीछे पहाड़ से आता है पानी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये गौमुख है, देखो थोड़ा हाथ पैर धोके पवित्र हो जाते हैं, फिर आगे निकलेंगे। और एक जगह मुझे पता चली है, वाल्मीकि आश्रम, तो देखते हैं अभी कैसा है। मैं अभी उतर के आ गया हूँ श्री वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि जी की गुफा में। तो और ये मनी प्लांट देखो जरा कितनी फैली है, कितनी बड़ी हो गई है। तो अभी मैं जा रहा हूँ आदि कवि ऋषि श्री वाल्मीकि जी की गुफा देखने, और उनके दर्शन भी कर लेते हैं। और यहाँ से गुफा है, तो यहाँ ऐसे कहते हैं कि वाल्मीकि जी ऋषि थे, उन्होंने यहाँ पे तप किया था। देखते हैं यहाँ भी नीचे उतरना है, नीचे जाए यहाँ तो लाइट भी है, बहुत ही ठंडा है। और ये गुफा होगी पर इसे अच्छा प्लास्टर वास्टर करके अच्छा बनाया गया है। देखो यहाँ पे बस वाल्मीकि जी ऋषि के दर्शन मैंने कर लिए, अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर। थोड़ा बेंड होके आना पड़ेगा, सीधे आपको पीठ पे लग सकती है। यहाँ के महादेव मंदिर भी है, पहले महादेव के दर्शन कर लेते हम। और ये महादेव है, हर हर महादेव, ठीक है। मैंने दर्शन कर लिए श्री वाल्मीकिश्वर महादेव मंदिर के, जो प्राचीन मंदिर है, और इनका इसका इस मंदिर का जीर्णोद्धार करा रहा था 8 मई 1939 को, मंडे था उस दिन, ठीक है। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और ये भैया मिल गए हमें यहाँ पे, तो इनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली हमने। तो अभी ये जो है वो लव कुश है, लव और कुश, और ये माता जानकी है, और ये ऋषि वाल्मीकि है, ठीक है। तो बस मैंने दर्शन कर लिए यहाँ के भी, और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप पॉज करके पढ़ लेना। तो जी यहाँ पे पंचमुखी चेतन हनुमान है, और वो कोटेश्वर महादेव, देखो। तो कोटेश्वर महादेव से आप पीछे के रास्ते से आप सीधा उतर दो, सीधा जाना है तो आपको ये वाल्मीकि जी का आश्रम दिखेगा। अभी हम आ गए कामाक्षी देवी मंदिर,
और ये मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। पेड़ का छाव था तो छाव के नीचे पार्क कर दिए। और ये है कामाक्षी देवी मंदिर। और यहाँ से एंट्री है। अंदर वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है, आसपास के नज़र में दिखाऊंगा आपको। ये जो मंदिर दिख रहे हैं और चारों तरफ एकांत शक्ति बीच के आपको दर्शन होंगे तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो पहले मैं मुख्य कामाक्षी देवी मंदिर के दर्शन कर लेता हूँ, फिर आपको एकांत शक्ति पीठों के दर्शन करवाऊँगा। अंदर वीडियो शूटिंग फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो जी, ये कामाक्षी देवी का जो मंदिर का परिसर है, यहाँ पे सारे 51 शक्तिपीठ के दर्शन होते हैं। और ये जो कामाक्षी मंदिर है, ये ओरिजिनल तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। वहाँ कामाक्षी देवी का नाभि का भाग गिरा था। तो हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने 1980 में वहाँ से जोत लाई और यहाँ पे मंदिर की प्रतिष्ठा की। और यहाँ से ऐसा आशीर्वाद दिया कि यहाँ के जो 51 शक्तिपीठ के दर्शन करेगा वो सारे शक्तिपीठ के दर्शन हो गए, आप समझ लेना। ऐसे उन्होंने आशीर्वाद दिए, ऐसे यहाँ अंदर महाराज बता रहे थे। ठीक है, तो यहाँ सारे 51 शक्तिपीठ है। तो चारों तरफ है देखो, ठीक है, क्योंकि सारे शक्तिपीठों में तो आप नहीं जा सकते। पाकिस्तान में कुछ है, कुछ नेपाल में है, महाराज बता रहे थे कुछ। तो अभी यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है। बहुत ही बढ़िया मंदिर है और 1980 से है ये मंदिर, यहाँ स्थापना 1980 से यहाँ स्थापना हुई थी। इसका ओरिजिनल मंदिर तमिलनाडु में कांचीपुरम में, तो इस वजह से एक साउथ के मंदिर की याद दिलाते। ठीक है, तो जी वो जो रोड दिख रहा है वो अंबाजी से आ रहा है और राइट में चला जाएगा कोटेश्वर। और ये कामाक्षी देवी मंदिर है, तो आपको पता ही चल जाएगा बाहर रोड पे ही है। ठीक है, और यहाँ से हम जाएंगे, जाना है तो खेड़ ब्रह्मा जा सकते हो, हिम्मत नगर, खेड़ ब्रह्मा, इधर सब आ जाए। ठीक है, तो अभी हम निकल रहे हैं गब्बर के लिए।